Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science. बहुत दिन से आप लोगों को जिस पेपर का इंतजार था, आज हम UPLT ग्रेड वाला पेपर करेंगे 2011 का, उसका सॉल्यूशन। ये सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है, आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद आपको खुद लगेगा कि आपने कितना सारा सिलेबस जो है वो रिवाइज कर लिया है। एक्चुअली इसको हम कुछ अलग ढंग से सॉल्व करने वाले हैं, जैसे एक क्वेश्चंस के जितने भी मल्टीपल चॉइसेस हैं उन सारी चॉइसेस को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके अलावा उससे रिलेटेड फैक्ट्स जो है, जितनी नॉलेज उस क्वेश्चन से हो सकती है रिलेटेड, वो सारी की सारी नॉलेज आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, एक तो वो कि वो लोग जो सिर्फ 20 क्वेश्चन सोच के बैठे हों कि इसमें 20 क्वेश्चन होने, वो लोग इस क्लास को नहीं करें क्योंकि ये क्लास लंबी होगी। ठीक, दूसरी बात यह है कि पेन और पेपर आप अपना लेके बैठे, क्योंकि इसमें काफी सारा आपको नोट डाउन करने को भी मिलेगा, इसके साथ ही साथ आप नोट्स इसमें बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे हम फटाफट से, क्योंकि काफी सारा टाइम इसमें लगने वाला है, तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें, एक्चुअली जो पूरा पेपर है इसको 20-20 क्वेश्चन में मैंने डिवाइड किया है, क्योंकि अगर सारा क्वेश्चन एक साथ क्वेश्चन पेपर एक साथ करेंगे तो मेरे अंदाज से लगभग 10 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, इसको जब आप क्वेश्चन के आंसर जब आपको मिलेंगे, जब आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तब आपको लगेगा कि बाकी आपने कुछ सॉल्व किया है। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि 3000 मीटर का जो स्टीपल चेज होता है, उस स्टीपल चेज में कितने वाटर जंप होते हैं। ठीक है, तो इसका जनरली आंसर सब लोग लगभग जानते हैं कि इसमें 7 वाटर जंप होते हैं। इसके अलावा जो है, जो आपको चीजें याद करनी है या जो चीजें मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो चीजें आप देख लीजिए, क्योंकि उनसे बहुत सारे आपके रिलेटेड क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो आई होप दैट सॉल्व हो जाएंगे, और वो सॉल्व हो जाएंगे तो शायद मुझे इस क्लास को पढ़ाने का जो उद्देश्य है मेरा वो भी पूरा हो जाएगा। तो ड्राइव द नेम्स फ्रॉम हॉर्स रेसिंग स्टीपल चेज, तो ये जो स्टीपल चेज थी 3000 मीटर फॉर मेन्स, इसका ड्राइव कहाँ से किया गया, इसको हॉर्स रेसिंग जो स्टीपल चेज की रेस जो घोड़ों के लिए होती थी, वहां से उसको ड्रिवन किया गया। दूसरा, इट इज द ट्रैक इवेंट, ये ट्रैक इवेंट है किसमें, ओलंपिक गेम में। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियंस, इट इज आल्सो इवेंट रिकॉग्नाइज बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। अच्छा, इसमें IAAF के जो फॉर्म है वो 2 बार चेंज हो चुके हैं, इवन द थर्ड टाइम में पहले इसको क्या बोला जाता था, बीच में फिर दोबारा से क्या हुआ, और 2019 में उसको क्या कर दिया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। ठीक है, चलिए बाकी द मेंस में जो बैरियर लगाया जाता है, जैसे वाटर जंप होती हैं उनकी डायमेंशन भी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। दूसरा, जो हाइट होती है किसकी, हर्डल की, वो कितनी होती है, 91.4 सेंटीमीटर, और वीमेंस के लिए कितनी होती है, ये 76.2 सेंटीमीटर। अगर इसको इंचेस में कभी कभी पूछ लेता है तो ये 30 इंच की होती है, ये 36 इंच में होती है। ठीक है, और वाटर जंप जो होती है, लैंडिंग एरिया, वो कितने होते का 12 फीट लंबा, ठीक है, 3.66 मीटर लंबा, और इसमें 70 सेंटीमीटर क्या होता है, गहरा होता है, जिसमें पानी भरा रहता है, और वो 7 वाटर जंप होती है। अच्छा, टोटल वाटर जंप के अलावा इसमें हर्डल कितनी होती है, 28 हर्डल होती है। ठीक है, अगर रेशियो निकाला जाए तो 7:4, 7:4 = 28। ठीक है, द करंट फॉर्मेट हैज बीन कंसीडर्ड बाय द मैन इनिशियली वेयरिंग टू द डिस्टेंस एंड ओलंपिक सिंस 1900 से, ये चीज जो है वो चली आ रही है। वुमेन्स इवेंट वॉज इंट्रोड्यूस रिसेंटली, 2008 से पहले वुमेन्स का इवेंट नहीं होता था, ये 2008 में वुमेन्स वाला इवेंट है, उसको हमने अभी देख पाए हम लोग। ठीक है, अच्छा लास्ट और फाइनल चीज इसके बारे में जो फैक्ट है, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड जो 3000 मीटर स्टीपल चेज का है वो किसके पास है, सैफ सईद साई, और ये कहाँ के हैं, कतर। इनका रिकॉर्डिंग टाइम क्या है, 7:53 63 माइक्रोसेकेंड। ओके, इसी के साथ अगर आप देखो, वीमेन का रिकॉर्ड किसका है, बेट्रेस
चिपोकेस ऑफ केनिया, इनका कितना है 8 मिनट 44 सेकंड और 32 माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी इसके बारे में। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ठीक है, डेकाथलन कंसिस्ट ऑफ, डेकाथलन जो है उसमें कितने इवेंट होते हैं बेसिकली, और वो इवेंट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो चीज आप जो है वो बताएंगे। तो पहला क्या है, 6 ट्रैक इवेंट और 4 फील्ड इवेंट। अच्छा, हमेशा इसमें एक चीज आप याद रखें, डेकाथलन में एक तो 10 इवेंट होते हैं और ये 2 दिन में होते हैं। फर्स्ट डे में कुछ इवेंट होते हैं और सेकेंड डे में कुछ इवेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें 6 और 4 का कॉम्बिनेशन ही पूछेगा जब भी पूछेगा आपसे। ठीक है, मोस्टली तो 4 जो होते हैं मतलब कम इवेंट ट्रैक पे होते हैं, फील्ड में ज्यादा इवेंट होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा इट इज द 2 डे इवेंट, 2 दिन का इवेंट है। इसकी एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई हुई है कि डेकाथलन के पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, तो अगर पॉइंट्स के बारे में आपको देखना है तो आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट डे का जो इवेंट होता है वो क्या होता है, 100 मीटर डैश होता है उसमें, रनिंग, लॉन्ग ब्रॉड जंप होता है, शॉर्ट पुट होता है, हाई जंप और 400 मीटर। एक और फैक्ट इसके बारे में जान लीजिए आप कि ये जो इवेंट होते हैं वो शॉर्ट रेसेस से शुरू होते हैं और लॉन्ग या मिडिल रेस पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे डे कौन से इवेंट होते हैं, 110 हर्डल होती है, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो और 1500 मीटर पे ये खत्म हो जाता है। दूसरा, इससे क्वेश्चन जो है वो और क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ये अगर इसमें पूछता है स्टार्टिंग और लास्टिंग इवेंट, तो 100 मीटर से ये इवेंट शुरू होता है और 1500 मीटर पे ये खत्म हो जाता है। डे वाइज भी वो कभी कभी पूछ लेता है कि फर्स्ट डे में फर्स्ट इवेंट कौन सा है, लास्ट इवेंट कौन सा है, सेकेंड डे में फर्स्ट इवेंट कौन सा है, लास्ट इवेंट कौन सा है। और लास्ट क्वेश्चन अगर इससे बनता है तो वो ये क्वेश्चन बनता है कि जो इवेंट है आपके, उन इवेंट को क्या करिए, आप एक अरेंजिंग फॉर्म में करिए, चाहे वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने ये लिखे हुआ है तो आप इनको याद कर लीजिए। ठीक है, ये किसने बनाया था, माइकल लैक्रिक, 1976 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये स्टार्ट कहाँ से किया गया था, लिली फ्रांस से। ठीक है, अमेरिकन एथलीट जिम थॉर्पे जो है वो पहले ओलंपिक डिकाथलन के चैंपियन थे। द करंट रिकॉर्ड होल्डर कौन है, कैल्विन मेयर जो है वो करंट रिकॉर्ड होल्डर है, और ये रिकॉर्ड इन्होंने कितने पॉइंट्स लेके बनाया है, 9126 पॉइंट्स थे इनके। ठीक है, जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था वो बनाया था 16th of September 2018 टेलेंस फ्रांस में। तो इतनी सारी चीजें आप जो है वो इसके बारे में याद रखेंगे। दूसरी चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि इसके बारे में जो डेकाथलन के पॉइंट सिस्टम है, तो पॉइंट सिस्टम के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मेरी एक सेपरेट क्लास है उस पे, तो आप उसमें चले जाइए, वहां आपको मिल जाएगा उसको पूरी तरह से। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इंक्रीज द वेट बिटवीन 2 अटेम्प्ट्स मस्ट नॉट लेस देन बी, कह रहे हैं कि जो वेट लिफ्टिंग की चैंपियनशिप है उसमें नेक्स्ट वेट जो ऐड करते हैं वो वेट जो है कितने से कम नहीं होना चाहिए, 2.5 kg, 5 kg, 10 kg और 2 kg। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका 2.5 kg है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन क्वेश्चन आंसर्स को बहुत जल्दी जल्दी से किया जाए, मैं आपके लिए 5 सेकेंड दूँ फिर आप आंसर्स लगाएं। तो जैसे क्वेश्चन आता है लगभग जिसको आंसर लगाना होता है वो झट से मेरे अंदाज से ज्यादा 2 से 3 सेकंड लगते हैं उसको। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो ये गलत बात है, तो वो इनफ टाइम है। तो आप लोग अपना चेक करना चाहते हैं कि कितना स्कोर आपका होता है, तो आप अपना जो है वो सेपरेट चेक करते रहिए, लिखते रहिए। तो इसमें 2.5 kg जो है वो राइट आंसर है, 2.5 kg से कम वेट जो है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए आप नहीं बढ़ा सकते। अब इससे रिलेटेड फैक्ट जो है वो एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ओलंपिक वेट लिफ्टिंग जो है आ स्पोर्ट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल लिफ्ट ऑफ बारबेल विद प्लेट, ठीक है ये ओलंपिक में कंसीडर किया जाता है। दूसरा इसमें होती है पावर लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में क्या होते हैं, 3 इवेंट होते हैं इसमें, 3 अटेम्प्ट्स क्या क्या होते हैं इसमें, स्क्वाट होती है, बेंच प्रेस होती है और डेड लिफ्ट होती है। ठीक,
तो ये तीनों इवेंट आप याद रखेंगे, तीनों जो कंपोनेंट हैं क्या क्या हैं, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट। 1900 के जो ओलंपिक थे, 1900 वाले जो ओलंपिक थे, देयर वाज नो वेट लिफ्टिंग इवेंट। ये बात आप याद रखेंगे कि जो 1900 के ओलंपिक थे उसमें कोई भी वेट लिफ्टिंग का इवेंट नहीं था। ठीक है, मैं चलिए और इसको क्या कर देता हूँ, ये आपके लिए जो 1900 का इवेंट था, 1900 में वेट लिफ्टिंग का कोई इवेंट नहीं हुआ, ठीक है, फिर दोबारा से 1904 में ये दोबारा से शुरू हुआ, फिर दोबारा ओमिट कर दिया गया 1908 से लेके 1912 तक, मतलब दो ओलंपिक्स में फिर इसको हटा दिया गया। ठीक है, ये बात आप याद रख। अब क्या है, द मेंस ओलंपिक बारबेल का जो वेट होता है वो होता है 20 kg या 44 lbs। तो ये छोटा सा फैक्ट आप याद रखें। दूसरा, इसका डायमीटर कितना होता है, 28 mm। ठीक है, द लेंथ कितनी होती है, 2200 2200 mm। ठीक है, वुमेन्स वेट लिफ्टिंग में अगर देखेंगे तो जो बारबेल का वेट होता है वो कितना, 15 kg या फिर 33 lbs। और डायमीटर शाफ्ट का कितना होता है, 25 mm, लेंथ 2010 mm। तो इतनी छोटी सी फैक्ट जो है वो याद रखेंगे इसके बारे में आप, और आगे की चीजें हम देखते हैं कि इसमें और भी काफी जो है वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप देखें। इससे क्वेश्चन आता है, पिछले बार NVS में भी इसका क्वेश्चन आया था, तो ये चीज आप देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से। और वो सिंपल सी चीज क्या है, वो ये है आपकी कि देखें ओलंपिक बम्पर प्लेट्स जो होती हैं ओलंपिक में, ठीक है, उनके कलर्स क्या क्या होते हैं। जैसे जब हम किसी जिम में जाते हैं, व्हेन यू आर विजिटिंग अ जिम, देयर आर सेवरल प्लेट्स आते हैं, तो उन प्लेट्स के वेट लिफ्टिंग की जो प्लेट्स होती हैं उनके वेट क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्रीन कलर की प्लेट होती है कितनी, 10 kg की प्लेट जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, 15 kg की प्लेट जो है वो येलो कलर की, 20 kg ब्लू और 25 kg इज रेड। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आप चीज देखें, द कलर डेजिग्नेशन फॉर द थ्री आयरन प्लेट्स जो होती हैं, 1 kg की जो प्लेट होती है वो कितने की होती है, ग्रीन कलर की, 1.5 kg की होती है, मतलब जो आपको ऊपर जितनी भी दी हुई है ये, चाहे वो 10 kg की बात करें, 15 kg, 20 kg, और इन सब में 10 का डिवीजन कर दीजिए फिर आपको नीचे वाली प्लेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो 10 kg की प्लेट और 1 kg की प्लेट ग्रीन की, 15 kg और 1.5 kg येलो, 20 kg और 2 kg ब्लू, 25 kg और 2.5 kg रेड, और दूसरा 5 kg और 0.5 kg जो होती है वो किसकी होती है, वाइट कलर की होती है। ठीक है, दूसरी जो इसके बारे में चीज है वो ये है कि जो कॉलर होता है, कॉलर क्या होता है कि ताकि जो प्लेट आपकी लगाई है प्लेट्स को कसने के लिए साइड में कॉलर होता है, जिससे कि प्लेट जो है जब वो कोई भी वेट लिफ्टर उठाता है या फिर नीचे गिरता है किसी भी वजह से, तो फिर जो प्लेट है वो निकल के किसी और को हार्म ना करें, उसकी वजह से एक कॉलर लगाया जाता है। उस कॉलर का वेट कितना होता है, उस कॉलर का वेट होता है 2.5 kg। नेक्स्ट, इट्स यूजफुल टू द कलर असाइनमेंट्स टू द आयरन प्लेट दैट आर 1 kg, 10 kg ग्रीन, 1.5 kg और 15 kg येलो, 2.5 kg और 25 kg रेड, 2 kg और 20 kg ये किसके होते हैं, ये ब्लू कलर के होते हैं। लिफ्टर्स टिपिकली वियर्स वन पीस पहनते हैं, या फिर वो जो उनका जो ड्रेस रहती है, या फिर सिंगलेट यूज कर सकते हैं, और वियरिंग अ टी शर्ट अंडर नेट विद द सिंगलेट इज ऑप्शनल। ये दोनों ऑप्शन उसके पास है कि वो किस तरह से यूज करना चाहता है। नेक्स्ट क्या है, रॉबिन राउंड टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू नॉकआउट टूर्नामेंट, लैडर टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और लीग टूर्नामेंट। जो रॉबिन राउंड टूर्नामेंट है वो टूर्नामेंट किससे रिलेटेड है, तो आप सब जानते होंगे कि रॉबिन राउंड टूर्नामेंट को हम लीग टूर्नामेंट भी कहते हैं, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको एक दो नाम, दो और इसके नाम है,
आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, या फिर सिर्फ सीधे सीधे आप जो जो ग्रुप है उस ग्रुप में भी इसका आंसर दे सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, कि इसके दो और नाम जो है लीग टूर्नामेंट के वो क्या है। अब इसके बाद हम जो है कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में वो देख लेते हैं, कि नॉकआउट टूर्नामेंट जो होता है वो क्या होता है, सिंगल एलिमिनेशन नॉकआउट को सडन डेथ टूर्नामेंट भी कहते हैं, और इसमें क्या होता है, एक बार आप जो मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल लागू होता है, अगर आप जीतेंगे तो आप नेक्स्ट उसमें जाएंगे नेक्स्ट लेवल में, अगर आप हार गए तो वहीं पर एलिमिनेट होकर बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो उस राउंड तक आप गेम में हैं जिस राउंड तक आप जीतते हैं, इफ यू लूज द मैच यू विल लूज द टूर्नामेंट, राइट। चलिए ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 टीमें हैं, तो 15 टीम के बाद बाई वगैरह का सिस्टम है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा जब सेपरेटली टूर्नामेंट की बाई निकालना बताऊंगा तब। तो इसमें क्या होता है, एक टीम खेलती है एक ही साथ मैच, जहां हार जाओगे आप वहीं पे हट जाओगे, ठीक है। इसको अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करते हैं, आई होप दैट आप लोगों को मालूम है, और नहीं मालूम है तो आप फिर वहां पे देख लेना। तो दूसरा ये लैडर टूर्नामेंट है, इसको आप देख लीजिए, इसमें क्या रहता है, वन टीम टू अनादर के साथ किस तरह से खेलती है, और इसमें पॉइंट सिस्टम हम यूज करते हैं, इसमें ब्रिटिश पॉइंट सिस्टम है और अमेरिकन पॉइंट सिस्टम है, तो दोनों के पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे इन द एंड हम देख लेते हैं कि किसका परसेंटेज या फिर टोटल पॉइंट्स जो है वो ज्यादा है, तो जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं एंड में वो जो होता है वो टीम क्या होती है, वो विजेता होती है। अच्छा पॉइंट सिस्टम की बात करें, ब्रिटिश पॉइंट सिस्टम में क्या करते हैं, वो जो जीतने वाली टीम है उसको 2 पॉइंट्स देते हैं, हारने वाली पॉइंट टीम को 0 पॉइंट, और अगर ड्रॉ होता है मैच तो एक एक पॉइंट जो है वो बट जाता है, जैसे आपने क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखा होगा, इसमें इसी तरह से ये टूर्नामेंट चलता है, ठीक है। दूसरा डबल नॉकआउट टूर्नामेंट, डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है कि नॉकआउट में जो टीमें हार जाती हैं, जैसे पहले राउंड में जो टीम हार गई उनको भी चांस देना, ठीक है। डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट फॉर द 7 प्लेयर्स, सिंगल एलिमिनेशन फर्स्ट राउंड, लूजर्स ऑफ गेम 4, 5, 6, 7 स्टिल प्ले इन द गेम 6 एंड 8, वाइल द लूजर ऑफ 1, 2, 3 ड्रॉप आउट इमीडिएटली। अच्छा ये होता कैसे है, इसको आप देख लीजिए, इसको मैं बता देता हूँ आपको, नीचे देखिए कि ये गेम का सेट पूरा लगा हुआ है, कि यहाँ पर 1, 2, 3 का ये गेम रहा, जो विनर रहेगा ठीक है वो ग्रीन में दिखाया हुआ है, तो विनर W1, W2, W3, ठीक है, अगर ये हारते हैं तो ड्रॉप आउट इमीडिएटली, बाकी 4, 5 और 7 स्टे प्ले इन गेम विद द 6 एंड 8, ठीक है। तो जो हारने वालों को भी यहाँ पे चांस दिया जाता है, ये पूरी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ग्रीन कलर में आप समझ लीजिए वो विनिंग टीम है, ठीक है। चलिए तो इतनी सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी आई होप दैट, आप ये देख लीजिए, लूजिंग टीम ऑफ द गेम 4 एंड 5 प्ले द मैच एंड द विनर विल प्ले सेमीफाइनल मैच विद द लूजर ऑफ गेम नंबर 7, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले, जो कुछ फैक्ट है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, टूर्नामेंट कंडक्ट ऑफ द डिफरेंट और द कंसिस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द मिनिमम 2 टाइप ऑफ टूर्नामेंट आर नोन टू बी द कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, क्योंकि हमने ये पहले ही कहा था आपसे कि हम जितने भी पॉइंट्स करेंगे उसमें जितने भी आपके ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस को वी विल एक्सप्लेन, तो जो आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है वो किस तरह से हो सकता है और भी, तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट हो सकता है, जिसमें पहले टीमें जितनी भी होंगी वो नॉकआउट खेलेंगी, फिर उसके बाद में फिर दोबारा नॉकआउट खेलेंगी, मतलब इसमें क्या करते हैं बेसिकली जितनी टीमें होती हैं उसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, तो उस ग्रुप में पहले नॉकआउट होगा, तो जो ग्रुप है हर ग्रुप से एक टीम निकलेगी, तो 4 टीमें होंगी उनमें फिर दोबारा से नॉकआउट होगा, ठीक है। तो ये हो गया लीग कम लीग, मतलब लीग मैच होगा 4 पूल में, फिर दोबारा जो टीम निकलेंगी उनमें फिर से लीग होगा, और लीग कम नॉकआउट ऐसे नॉकआउट कम लीग, तो ये आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं, इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर मच मोर, ठीक है, जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम कुछ देर पहले इसकी बात कर रहे थे, IAAF स्टैंड फॉर, IAAF जो है वो किसके लिए स्टैंड करता है, ठीक है। चलिए मैं आंसर भी इसका लिख देता हूँ आपको, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये इसके लिए स्टैंड करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए,
इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, इंडियन एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन और इंडियन एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन। ठीक है, तो इसमें ए आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो है वो सही है। ठीक, अब हम इसके फैक्ट्स जान लेते हैं। ये फैक्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी क्वेश्चन आए और एथलेटिक्स से क्वेश्चन नहीं आए। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन IAAF, ये 1912 में फॉर्म हुई थी। 1912 से 2001 तक इसका नाम क्या था? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए इसमें क्या हुआ था। द ट्रैक एंड फील्ड ऑर्गेनाइजेशन नेशनल एसोसिएशन मोर देन 160 कंट्रीज, ये बात आप याद रखें। इट वॉज फाउंडेड एज इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन, जो मैंने आपको बताया था स्टॉकहोम से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? 1912 से, और 2001 में इसको फिर दोबारा से चेंज किया गया था। ठीक, इन 1936 IAAF टेक ओवर रेगुलेशन ऑफ वुमेन इंटरनेशनल ट्रैक एंड फील्ड कॉम्पिटिशन फेडरेशन स्पोर्ट फेनोमेन इंटरनेशनल विच इज हैज बीन फाउंड इन 1921 में इसका इसको जो है वो फाउंड किया गया था। ठीक है, तो ये चीज जो है वो छोटी सी चीज आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कुछ फैक्ट्स जो है उनको भी आप थोड़ा सा देख लें। इसमें और चीज क्या कही गई है कि जो 2001 में इस फेडरेशन को चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया था? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। ठीक है, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी उसके बारे में आपको बता देता हूं। चलिए मैं उसको लिखना भूल गया थोड़ा सा। 2019 में पहले या 1912 में IAAF का नाम क्या था? इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। ठीक है, इसको फिर दोबारा से चेंज किया गया था इसका नाम, और इसको क्या कर दिया था? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। कितने में? 2001 में। फिर अभी रिसेंटली 2019 में इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड एथलेटिक कर दिया गया है। तो IAAF का अगर फुल फॉर्म अभी आता है करंटली पेपर्स में किसी में भी, तो आपको क्या लगाना है? वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो इतनी चीज आप याद रखेंगे। द नेशनल स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड, हमारा जो नेशनल स्पोर्ट डे है इंडिया का, वो कौन से दिन मनाया जाता है? तो सब लोग जानते हैं 29th को ये मनाया जाता है। इसमें ये बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? डॉक्टर ध्यानचंद की, जो हमारे हॉकी के जो प्लेयर रहे उनकी वजह से हमने ढेर सारे इंडिया ने काफ़ी नाम कमाया वर्ल्ड हॉकी में। तो उन्हीं के जन्मदिन को हम लोग इंडिया के स्पोर्ट डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ओवर द ईयर्स द गवर्नमेंट इज ऑल्सो यूज दिस डे एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ लॉन्च वेरियस स्पोर्ट्स स्कीम इंक्लूडिंग खेलो इंडिया मूवमेंट। इसी दिन शुरू हुआ, विच वाज अनाउंस बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2018। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि खेलो इंडिया स्कीम जो है वो कब शुरुआत हुई थी? इसकी 2018 में शुरुआत हुई थी, और इसकी अनाउंसमेंट की थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। राइट, नेशनल स्पोर्ट डे इज ऑल्सो ऑकेशंस, इसमें होता क्या है कि सिर्फ ये नेशनल स्पोर्ट डे नहीं रहता, इसमें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसी दिन दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, और अच्छा मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो रिसेंटली शुरू किया गया है। अब आपको ये लिख के बताना है मुझे कि इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई। ठीक है, एज द स्पेशल सेरेमनी दैट राष्ट्रपति भवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टेक्स दिस डे द कन्फर्म टू ऑल दीज अवार्ड्स। ठीक है, तो इतनी सी चीज आप इसके बारे में याद रखें। द हॉकी प्लेयर मेदन ध्यानचंद रिवर्स द स्पेशल प्लेस हिमसेल्फ बॉर्न, ये कहाँ पे पैदा हुए थे? अलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश, अगस्त 19, 1995 में। ध्यानचंद रोज एट द प्रोमिनेंस टू द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, द स्टार ऑफ इंडियन हॉकी डोमिनेटेड टू द स्पोर्ट्स ईयर बिफोर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ध्यानचंद प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्पिंग टू कम्प्लीट द फर्स्ट हैट्रिक ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडल with wins at
1928, 1932 और 1936 जो समर ओलंपिक्स हुए थे उनमें लगातार 3 साल इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था, जिसमें बहुत बड़ा रोल था हमारे हॉकी के जादूगर या विजार्ड ऑफ हॉकी जिनको बोला जाता है, मेजर ध्यानचंद। स्टार्टिंग हिज हॉकी करियर बाय द रेजिमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी एंड यंग ध्यानचंद सिंह वॉज अ स्पेशल टैलेंट बट मेड हिम स्टैंड आउट हिज डेडिकेशन टू हिज क्राफ्ट। विद मोस्ट ऑफ द डे स्पेंट इन द रेजिमेंट ड्यूटी ध्यानचंद वुड प्रैक्टिस हिज हॉकी इन द नाइट अंडर द मूनलाइट एट अ रीजन अर्न द नेम ध्यानचंद। मीन्स चंद मीन्स मून इन हिंदी। एक्चुअली उनका नाम ध्यानचंद जो था, चंद का मतलब यह है उसको जोड़ दिया गया था बाद में, ठीक है। चंद का मीनिंग मतलब होता है चांद मीन्स मून, ओके, क्योंकि वो नाइट में जो मूनलाइट होती थी उसमें वो प्रैक्टिस करते थे, राइट। ही वुड रेज टू द रैंक कमिंग ईयर्स हेल्पिंग टू द टीम इन वेरियस इंटर आर्मी मैचेस एंड सून बी कॉल्ड फॉर द इंडियन हॉकी टीम इन 1928 ओलंपिक्स। वुड लुकिंग फॉर द ध्यानचंद ऑन द रूल ऑफ वर्ल्ड हॉकी विच इज डिलाइटफुल स्टिक वर्क टू स्टैंडिंग टू द गेम अर्न्ड टू द मनी मेकर हॉकी विजार्ड एंड हॉकी मजीशियन। तो ये कई सारी उपाधियां हैं जो उनको मिलती रही हैं हॉकी के लेजेंड ने। तो चाहे 1926 की बात करें, 1948 की बात करें, तो उन्होंने बहुत सारा योगदान जो है वो इंडियन टीम को देते रहे। उन्होंने रिप्रेजेंट किया 185 मैचों में और मोर देन जो 400 गोल हैं वो उनका स्कोर रहा है, ठीक है। थर्ड ये क्या है, उनको जो अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पंजाब रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी 1956 द इंडियन गवर्नमेंट वेंट टू कंफर्म द पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट डे इज सेलिब्रेटेड इन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हिम इन 29th of August इन द ऑनर ऑफ लीजेंड ध्यानचंद, ठीक है। इसी दिन क्या होता है, इसी दिन नेशनल स्पोर्ट्स जो अवार्ड थे वो दिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो आप वीडियो को पुश करके, बहुत ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो आप उसको देख सकते हैं। जो मुझे एक चीज़ आपको बतानी है, द नेशनल स्पोर्ट्स फाउंडेशन NAF दैट एथलीट फ्री टू नॉमिनेटेड टुवर्ड्स टू द अवार्ड कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टेक्स अपॉन इट्सेल्फ रेकमेंडेड पोटेंशियल अवार्ड्स टू द गवर्नमेंट, ओके। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में वो ये है कि जो नेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड मोस्टली जो प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं वो सारे के सारे इसी दिन दिए जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी छोटी छोटी सी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे आज तक है कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आएगी, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो कंस्टिट्यूट किया गया था 1991 और 1992, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। वाज द फर्स्ट अवार्ड इन द इंडियन फर्स्ट एवर द अर्जुन अवार्ड दैट इज ओल्डेस्ट अमॉन्ग द फर्स्ट अवार्ड बींग हैंडेड आउट इन 1961 वाइल द द्रोणाचार्य अवार्ड केम इन टू द एग्जिस्टेंस ऑफ 1985, ठीक है। तो ये छोटी सी चीजें आप याद रखेंगे। दूसरा द ध्यानचंद अवार्ड वाज द लेटेस्ट एंड द फर्स्ट रेसिपिएंट्स। द ध्यानचंद अवार्ड था वो सबसे पहले किन किन को दिया गया था, साहून राज विजेंदर को बॉक्सिंग में, अशोक दीवान को हॉकी में एंड अपर्णा घोष को बास्केटबॉल में, रिसीविंग दियर अवार्ड इन 2002। ध्यानचंद अवार्ड जो सबसे पहले शुरुआत इसकी किसमें हुई, 2002 में, और ये पहले चार लोगों को अवार्ड दिया गया। ब्रजदार को दिया गया बॉक्सिंग में, अशोक दीवान को हॉकी में, अपर्णा घोष को बास्केटबॉल में, ठीक है। तो ये अवार्ड जो है इस तरह से मिले, तो आप इस चीज को याद रखें, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप दैट कि जितनी भी इंफॉर्मेशन थी पिछली वाली वो सारी की सारी आपको याद रहेंगी और आपने नोट कर लिया होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग कैन बी जज्ड बाय। जो टीचिंग की इफेक्टिवनेस है वो किस तरह से जज की जा सकती है,
गुड सब्जेक्ट कंटेंट के द्वारा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो इसके द्वारा, इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट या लिबरिटी टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। इफेक्टिवनेस जो है वो हम किससे डाल सकते हैं, इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट, मतलब आप टीचिंग में कुछ पढ़ा रहे हैं और आपकी जो टीचिंग है उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है बच्चों पे, उनकी लर्निंग जो है वो कितनी बेहतर हो रही है। अगर आप पढ़ाते जा रहे हैं उनकी कोई लर्निंग अच्छी खासी नहीं हो रही तो इसका मतलब जो आपकी टीचिंग है वो ठीक नहीं है, राइट। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए था नहीं, ठीक है। दूसरा इसको देखिए, स्पोर्ट टैलेंट सर्च स्कीम जो थी, जो स्कॉलरशिप थी जो थी वो कब लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो ये लॉन्च की गई थी 1972-1971 में, राइट। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, ये कब शुरू हुई थी, क्यों शुरू हुई थी, इसके पीछे के रीजंस क्या रहे। द स्पोर्ट टैलेंट सर्च स्कीम, द स्पोर्ट टैलेंट सर्च स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 1972-1971 में, ठीक है। द स्कीम प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू द टैलेंटेड यंग बॉयज, टैलेंटेड यंग बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग एट द सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। तो ये जो स्कॉलरशिप थी वो उन बच्चों के लिए थी जो सेकेंडरी स्टेज में पढ़ रहे थे, ठीक है, सेकेंडरी क्लासेस में थे, राइट। एंड द प्रोफिशिएंट स्पोर्ट्स टू डेवलप देयर टैलेंट इन द स्पोर्ट्स एंड एनेबल देम टू हैव द न्यूट्रिशियन डाइट। इसका क्यों दी गई थी ये, कि उनको ये हम सिक्योर कर सकें स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स के लिए, ताकि उनको अच्छे से खाना वाना मिल सके। डाइट ड्यूरिंग द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे सेलेक्ट किया जाता था, ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट कॉम्पिटिशन्स एट द नेशनल और स्टेट लेवल पे। स्कॉलरशिप इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाई द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन्स एट द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल अंडर NSO प्रोग्राम, नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट द वुमेन अंडर द प्रोग्राम ऑफ प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन अमोंग वुमेन। ओल्ड स्कॉलरशिप वॉज ऑल्सो रिन्यूड एंड प्रोवाइडेड गिवन टू द रेट ऑफ, कितना पैसा मिलता था लगभग, रेट ऑफ 4,800 पर एनम। स्टेट लेवल पर कितने पैसे मिलते थे, 3,600 पर एनम। द अपर लिमिट ऑफ द नेशनल स्कॉलरशिप, 100 स्टेट लेवल स्कॉलरशिप्स आर गिवन टू द ईच स्टेट एंड 40 स्कॉलरशिप टू द ईच यूनियन टेरेटरी। तो आप ये देख लीजिए, 100 स्टेट लेवल के लिए और 40 यूनियन टेरेटरी के लिए, अबाउट 10,000 एप्लीकेंट्स जो थे वो रिसीव करते थे। उनको जो ग्रांट मिली 10,000 लोगों को, वो कम मिली थी 1995 से 1996, ठीक है। तो ये डेटा जो है इसके बारे में था, आई होप दैट कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले उसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, कैश अवार्ड ये दिए हुए हैं यहाँ पे, मतलब 1986 के बारे में, कि विनिंग जो मेडल था उसके बेसिस पे, मतलब 5,00,000 का कैश था, ठीक है। एशियन और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के बारे में, तो पूछ करके आप लोग इसको देख सकते हैं। स्पोर्ट्स सर्च टैलेंट स्कीम 1970-71, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कुछ जो दी गई हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती TGT के लेवल पे, ये स्पेशली जो लोग TGT की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार इसमें मैंने दिया हुआ है, तो पूछ करके इसको आप पॉज कीजिए वीडियो को और इन सबको एक बार देख लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। SAF गेम्स 1995 मद्रास जो वो हुए थे वो आप देख लेना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रूरल स्पोर्ट्स जो टूर्नामेंट्स थे उनके बारे में आप देख लीजिएगा। नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर द वुमेन फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया था 1975 में, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ, आफ्टर द जनरल इलेक्शन, 16th जनरल इलेक्शन के बाद ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जॉइंट एड्रेस टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट 19th of June 2014 एंड स्पीच ही स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट विल लॉन्च द नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च स्कीम।
ठीक है, तो ये 2014 में पार्लियामेंट्री स्पीच के दौरान इस बात को किया गया था कि गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च करेगी क्या, नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च स्कीम। ठीक है, तो इस छोटी सी चीज को आप याद रखें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द एसेंशियल इन द स्पोर्ट मैनेजमेंट टू कीप अलाउ इट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो इसेंशियल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में रखा जाता है। ये किस चीज़ को अलाउ करता है, ये प्रिंसिपल्स को अलाउ करता है उसमें, ठीक है, फाउंडेशन को, कैरेक्टरिस्टिक्स को या डायनेमिक को। अभी देखिए कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, कम्युनिकेशन कभी स्टैटिक नहीं हो सकती, ये डायनेमिक होती है, ठीक है ना। अभी जब हम बात करेंगे एक दूसरे से तो वी विल इंटरचेंज द आइडियाज, इंटरचेंज द पर्टिकुलर काइंड ऑफ द थॉट दैट वी हैव। ठीक है, तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ चीजें जो है वो देख लीजिए आप। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर दैट यू नॉट ओनली कन्वे द मैसेज टू समवन बट ऑल्सो लेट देम नो अबाउट योर फीलिंग्स, इमोशन, वेदर इट इज अमॉन्ग टू द फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, ऑफिस कॉलीग्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू गेट थ्रू द टास्क ऑफ द लाइफ विद ईज। अच्छा, एक चीज और आप इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में जान लीजिए कि कम्युनिकेशन में एक सेंडर रहता है आपका, ठीक है, मैसेज, फिर इनकोडिंग, डिकोडिंग और फिर रिसीवर। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कम्युनिकेशन में आपने कोई बात दूसरे से कह दी, इसके बावजूद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने दूसरे की बात सुनी, समझी और उसके बाद जिसने क्वेश्चन किया है उसको आपने सही तरह से जवाब दिया, ये होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच इवेंट इट डिड इंडिया वेन गोल्ड मेडल इन बीजिंग ओलंपिक्स 2008? 2008 में इसमें से कौन सा इवेंट ऐसा था जिसमें गोल्ड मेडल मिला था? तो आपको पता है कि एक ही इवेंट रहा है शूटिंग जिसमें गोल्ड मेडल आप मिला था, और वो मिला था अभिनव बिंद्रा जी को, 10 मीटर एयर राइफल का इवेंट था ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ओलंपिक गेम फॉर हील्ड इन ओलंपिया इन द ईयर ऑफ, तो पहला ओलंपिक गेम किस में हुआ था? ये बहुत ही इजी है, तो मैंने इसमें कुछ बहुत ज्यादा इधर उधर किया नहीं, डायरेक्ट सबको आंसर इसका पता रहता है, 1776 में। ठीक है, ओलंपिया में ये हील्ड हुआ था, ग्रीक सिटी है ये। ठीक है, ये कितना 500 ईयर ओल्ड एट द टाइम ऑफ एंशियंट हील्ड। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज है इसके बारे में वो ये याद रखिए कि जो जो फेस्टिवल वहां पे किया गया था किसके ऑनर में किया गया था, गॉड ज्यूस के अंडर में। ठीक है, उनको एक तरह से श्रद्धांजलि या उनको ये कह सकते हैं उनके सम्मान में। हु इज द पार्टिसिपेंट इन स्पेशल ओलंपिक, फिजिकली हैंडीकैप, मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन एंड एडल्ट, बोथ ए एंड बी वेटरन्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टिसिपेंट्स किसमें, स्पेशल ओलंपिक हमेशा फिजिकली जो हैंडीकैप होते हैं उन्हीं लोगों के लिए किया जाता है। ये मतलब सिंपल सी बात है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट जो टाइप की चीज नहीं है। ठीक है, 13th क्वेश्चन है, द आइडेंटिफाई द सिटी इन विच द कॉमनवेल्थ विल हील्ड इन 2022। ठीक है, तो 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम होने जा रहे हैं वो कहाँ पे होंगे? तो बर्मिंघम में ये होने वाले हैं 2022 के कॉमनवेल्थ में। ठीक है, और ये कौन से कॉमनवेल्थ गेम है? ये 22 में कॉमनवेल्थ गेम है और ये 2022 में होंगे कहाँ पे? बर्मिंघम सिटी में। बर्मिंघम कहाँ पे लोकेटेड है आपके? इंग्लैंड में। तो इतनी सारी चीज आप याद रखेंगे। दिस इज ड्यू टू द थर्ड टाइम इंग्लैंड होस्टेड टू द गेम्स। इंग्लैंड ने पहले ये 1934 में मैनचेस्टर में और 2002 में, सॉरी 1934 में, हाँ 1934 में लंदन में हुए थे और मैनचेस्टर में 2002 में ये इवेंट हुए थे। अभी 2022 में ये बर्मिंघम में हील्ड होंगे। तो ये तीसरी बार इंग्लैंड जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, द गेम वाज एक्सपेक्टेड टू टेक्स प्लेस बिटवीन 28th of July टू 8 अगस्त 2022। द सिटी वॉज अनाउंस टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन CGF। ये आप जो फुल फॉर्म इसकी याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF, एट प्रेस कॉन्फ्रेंस एट एरिना अकेडमी बर्मिंघम ऑन
21st of December 2017, right? The next question is, the first Asian Games were held in the year. पहले एशियन गेम्स जो थे वो कब हेल्ड किए गए, तो 1951 में, ये आपको मालूम होना चाहिए. द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड किए गए थे कहाँ पर, दिल्ली में 1951 में. द एशियन गेम्स इज आल्सो नोन एज एशियाड के नाम से भी इनको जाना जाता है. कॉन्टिनेंटल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, एवरी फोर ईयर पे जो है वो इवेंट ये होते हैं. द गेम्स वर रेगुलेटेड टू द एशियन गेम्स फेडरेशन फ्रॉम फर्स्ट गेम इट्स न्यू दिल्ली अंटिल 1978 games, right? The professional ethics in physical education include to the physical proficiency, impartiality, moral values, emotional stability. The professionals हैं, professional ethics हैं physical education के, वो किसको include करते हैं, emotional stabilities को. अच्छा एक बात देखिए, physical proficiency वो ethics में नहीं आती, ठीक है. फिजिकल प्रोफिशिएंसी में क्या आएंगे आपके, ये आपके जो आएंगे वो स्किल्स आएंगे, ठीक है, जो आप सीख रहे हैं, टेक्निकल स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है, जनरल स्किल्स, स्पेसिफिक स्किल्स, वो सारी चीज आएंगे. इम्पार्शियलिटी की मतलब ये है कि आप बेईमानी मत करो किसी के साथ भी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप देखते हैं कि भाई भाई को जो फिजिकल एडुकेशन के स्टूडेंट या फिर स्पोर्ट्स स्टूडेंट मैं कहूँ, तो वो क्या है, वो मतलब इम्पार्शियलिटी या पार्शियलिटी टाइप की चीज रहती है, मतलब उसको एथिकल के उसमें नहीं लाया था. मोरल वैल्यूज ये एक अलग चीज है, ठीक है. इमोशनल स्टेबिलिटीज इसमें रहेगा, इस पे काम करते हैं काफी, ताकि जो स्टूडेंट है वो इमोशनली स्टेबल रहे और वो अच्छे डिसीजंस ले पाए इन जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस वो फेस करता है उनके बीच में, ठीक है. तो अगला क्वेश्चन, इन इंडिया द नेशनल फिटनेस कॉर्प्स जो है वो कब सेटअप की गई थी, 1965 में. ये कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए. फॉर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंट्री अनफील टू द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मेड टू द नेशनल फिटनेस कॉर्प NFC 1965 to 1966. ये बात आप याद रखेंगे, द नेशनल फिटनेस कॉर्प स्कीम was merged under regular physical education in school 1972, ठीक है. तो जो NFC थी वो establish की गई थी 1965-1966 में, और ये मर्ज कर दी गई physical education को regularize in schools में 1972 में. Question number 17 हम देखेंगे, what is the aim of physical education, का aim क्या है. Physical development, wholesome development of an individual, growth and development, all of the above. सिंपल सा आंसर है, आप सब लोग जानते हैं कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, और फिर लास्ट में जब हम लोग बात करते हैं अगर ग्रॉस गोल की, तो फिजिकल एजुकेशन का एम क्या होता है, होलसम डेवलपमेंट. होलसम डेवलपमेंट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी आता है, ठीक है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी आता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा. अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. खेल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो सबसे पहले किसको दिया गया था, विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध किसके हैं, शतरंज के प्लेयर है, ठीक है, वो चेस खेलते हैं बहुत अच्छा, ठीक है. विश्वनाथन आनंद इंस्टीट्यूटेड इन 1991-92 में जो ये अवार्ड है वो राजीव गांधी अवार्ड जो वो स्टार्ट किया गया था. ये द हाइएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है, ये बात भी आप याद रखेंगे कि सबसे बड़ा खेल का अवार्ड कौन सा है, तो ये खेल रत्न अवार्ड है. विश्वनाथन आनंद वाज द फर्स्ट टू रिसीव द अवार्ड इन द ईयर वाज इंस्टीट्यूटेड फॉर दिस अचीवमेंट इन द चेस. ईयर ऑफ इंस्टीट्यूटेड का मतलब आप ये सीधा समझ लीजिए 1992 की बात कर रहे हैं. सिंस दैट 45 स्पोर्ट पर्सन्स फ्रॉम द कंट्री रिसीव दिस ऑनर्स फॉर द अचीवमेंट इन वेरियस स्पोर्ट्स, ठीक है. चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइम कीपर्स शुड चेक द परफॉर्मेंस बिकॉज द वर्ल्ड रिकॉर्ड कैन बी कंसीडर्ड इन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट. कोई भी ट्रैक एंड फील्ड का अगर इवेंट है और उसमें अगर टाइम को मेंशन करना है, तो उस रिकॉर्ड को फाइनलाइज करने के लिए कितने टाइम कीपर क्या होते हैं वो क्रॉस चेक करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड मान लिया जाता है. तो 3 टाइम कीपर जो होते हैं वो
फाइनलाइज करते हैं, मैच करते हैं कि जो टाइमिंग है वो रिकॉर्ड के लिए अवेलेबल है या नहीं। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें कई सारी चीजें देखी जाती है, विंड स्पीड कितनी थी, ठीक है, विंड स्पीड अगर कुछ एक्सेप्टेबल है तभी उस रिकॉर्ड को माना जाएगा, अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको नहीं माना जाएगा। तो आपके लिए काम क्या है, आपके लिए काम इतना है, इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आपके लिए जो काम है या टास्क है वो ये है कि आपको ये बताना है कि कितनी विंड स्पीड जो है वो एक्सेप्टेबल है। अगर उससे ज्यादा विंड स्पीड होगी तो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको बतानी। लास्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे। जनरली द अपर एज ऑफ बॉक्सर टू कम्पीट इन नेशनल चैंपियनशिप, अगर नेशनल चैंपियनशिप में किसी बॉक्सर को कम्पीट करना है तो उसकी मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है, उसके बाद वो नहीं कर सकता। तो 40 साल तक कोई भी बॉक्सर है वो आपका नेशनल चैंपियनशिप है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके बाद वो नहीं कर सकता, क्योंकि भाई नए आने वाले बच्चे हैं उनको भी तो टाइम देना है। चलिए, द अपर एज लिमिट फॉर द बॉक्सर्स इंक्लूडिंग टू कम्पीटिंग इन टू एट द ओलंपिक गेम्स एंड द एशियन गेम्स आर बीइंग इंक्रीज फ्रॉम 34 to 40। तो पहले ये क्या हुआ करती थी, पहले ये 34 थी, अब उसको बढ़ाकर 40 कर दिया गया है। इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन, द कॉम्पिटिशन्स एट द मेजर गेम विल नाउ फॉल अंडर द कैटेगरी फॉल अंडर द नेम ऑफ आईबा, AIBA, बॉक्सिंग ओपन बॉक्सिंग कैटेगरी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ढेर सारे क्वेश्चन आंसर हमने किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। आई होप दैट अब क्या आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास जो है वो हम यहीं खत्म करेंगे। आपका काम ये है कि आप ने स्कोर किया होगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने क्वेश्चन सही थे, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई परेशानी है समझने में तो उसको आप लिख सकते हैं, हम उसको कोशिश करेंगे कि आपकी जो परेशानी है उसको दूर किया जाए। और आई होप दैट कि आपको जो वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन था वो पसंद आया होगा। आपको कितना पसंद आता है ये बात आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो अगर लगता है कि ये तरीका सही है सॉल्व करने का तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, नहीं तो अगर ये टाइम कंज्यूमिंग है या फिर सही नहीं लग रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।